हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल ऑफ यू बेटा अच्छे हो ना? ओके, अगेन वेलकम्स इन विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास। ओके, तो बेटा आज हम लोग फिर से हमारा जो मैथ मैजिक सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो फर्स्ट लेसन है कौन सा? यस, आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। यस, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस, लिसन बेटा, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था ना? यस, ये दिया था ना, मैंने आपको समझाया था लैक्स, टेन लैक्स एंड क्रोर। चलो फिर से एक बार रिवीजन कर ले उसका। यस चलो लैक, मैं खाली लैख बोल रहा हूँ, लैक्स। हाँ, लैख में कितने ज़ीरो होते हैं? फाइव ज़ीरोस। यस, लैख में कितने ज़ीरो होते बेटा? फाइव ज़ीरोस। यस, और टेन लैक्स में कितने ज़ीरो होते? सिक्स ज़ीरोस। फाइव सिक्स सेवन लैक्स, टेन लैक्स। यस, बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था? देखिए यहाँ पे, एक मिनट है बेटा, सी। यस, हमने क्या देखा था लास्ट में कि फाइव ज़ीरो वन लैख हो। यस, वन लैख में कितने ज़ीरो? फाइव ज़ीरोस। फिर टेन लैक्स में कितने ज़ीरो होते? टेन लैक्स में कितने ज़ीरो होते? सिक्स ज़ीरोस। और उसके बाद क्या आता है? वन क्रोर। तो वन क्रोर में कितने ज़ीरो होते? सेवन ज़ीरोस। ओके, राइट। चलो तो हम लोग अभी जो हमारा होमवर्क था ना उसको हम लोग पहले करते हैं, ठीक है? हमने होमवर्क में क्या दिया था? मैंने दिया था ना होमवर्क में सी। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं आप लोग ने सही लिखा है कि नहीं। चलो मैं बताता हूँ, पहले मैंने क्या लिखा था? 145 लैक्स। आपको पता है ना लैक्स में कितने ज़ीरो होते? फाइव ज़ीरोस। यस, ये रहा लैख में फाइव ज़ीरोस, टेन लैक्स में सिक्स ज़ीरोस और करोड़ में सेवन ज़ीरोस। तो बेटा यहाँ पे देखो, यस आप लोग इसको अभी यहाँ पे ध्यान दो, 145 लैक्स। बेटा सबको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? पहले 145 लिख दो, इसको नंबर्स में ही लिखना था। 145 लैक्स, लैक्स के कितने ज़ीरो थे? फाइव ज़ीरोस। 1 2 3 4 5, सिंपल है, हो गया ना 145 लैक्स। चलो अब इसको हम लोग जो प्लेसेस होता है ना, मैथ्स का प्लेस होता है बेटा। यस, मैथमेटिक्स अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे नंबर अपने अपने प्लेस पे होते हैं। आप लोग जब क्लासरूम में आते हो तो कैसे अपनी प्लेस पे बैठते हो, है ना? तुम्हारी बेंच जो होती है ना, यस हमारी, हाँ हाँ बेटा, अपने बेंच में जो बैठते हैं वो बेंच हमारी प्लेस है। तो यहाँ पे भी ईच नंबर्स हैज़ ए ओन प्लेसेस। यस, सभी नंबरों के पास उनका खुद का प्लेस है। देखो ये वन का प्लेस है, वन के बाद कौन सा प्लेस आता है बेटा? टेन का। टेन के बाद हंड्रेड का प्लेस, हंड्रेड के बाद टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लैख, लैख के बाद टेन थाउजेंड, अरे सॉरी टेन लैक्स। एक सेकेंड ना, माई मिस्टेक, सॉरी। फिर से वन, टेन, हंड्रेड, देन थाउजेंड, और उसके बाद टेन थाउजेंड, और उसके बाद लैख, लैख के बाद टेन लैक्स, और उसके बाद वन क्रोर। ओके, यानी कि क्रोर। चलो क्रोर के बाद क्या आएगा? यस, टेन क्रोर। हाँ देखो मैं आपको बता दूँ, जब वन होता है ना, वन के बाद टेन आता है, वन के बाद टेन, वन टेन हंड्रेड, ये तो आपको पता ही, वन टेन हंड्रेड, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, थाउजेंड टेन थाउजेंड। ओके, टेन थाउजेंड के बाद लैख, टेन लैक्स, लैख टेन लैक्स, क्रोर टेन क्रोर। यहाँ पे होता तो टेन क्रोर होता। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलो तो ये हो गया हमारा 145 लैक्स। उसके बाद 279 हंड्रेड, ये दोनों तो आई थिंक मैंने करवा दिया था ना, 279 हंड्रेड, हंड्रेड में कितने ज़ीरो होते? टू ज़ीरोस, पता चल गया टू ज़ीरो होते हैं ना। ओके चलो, 180 लैक्स कैसे लिखेंगे? 180, यस 180 लैक्स, लैक्स के फाइव ज़ीरो, 1 2 3 4 5। ओके चलो, 345 लैक्स को कैसे लिखेंगे? 345, तो पहले 345 देन लैक्स, 1 2 3 4 5। उसके बाद 660 हंड्रेड, यानी 660 हंड्रेड, तो पहले 660, फिर हंड्रेड बोला है, तो हंड्रेड के फिर से ज़ीरो लगा दो, कितने ज़ीरो होते? टू ज़ीरोस, पता चल गया। फिर 570 थाउजेंड्स,
थाउजेंड्स में कितनी, हंड्रेड में दो ज़ीरो, तो थाउजेंड्स में थ्री ज़ीरो, वन टू एंड थ्री, ओके। देन 769,000, 769,000, वन टू एंड थ्री, ओके बेटा। आज का होमवर्क मैं अभी से बता देता हूँ आप लोगों को, यस, इसको सारे जो है ना, ये सबको आपको वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, ये वन का प्लेस, टेन का प्लेस, हंड्रेड का प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं ना मुझे, आपको पता ही है ना। ये वन, टेन, देखो ये वन का प्लेस, देन ये टेन का प्लेस है, फिर ये हंड्रेड का प्लेस है, ये थाउजेंड्स का प्लेस है, उसके हाँ, फिर ये टेन थाउजेंड, फिर ये लैख, ये चलो इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 145 लैक्स, यानी 50। चलो ठीक है, ये किसका प्ले, सॉरी माय मिस्टेक, ये किसका प्लेस है? वन का प्लेस। ये किसका प्लेस है? हाँ, टेन का प्लेस। ये किसका प्लेस है बेटा? हंड्रेड का प्लेस। ये किसका प्लेस है? थाउजेंड का प्लेस। ये किसका प्लेस है? टेन थाउजेंड। ये लैख, ये टेन लैख, और ये क्रोर का प्लेस, ठीक है। तो हम लोग किसे पढ़, इसको रीड कैसे करेंगे? देखो ये वन कहाँ पे, करोर के प्लेस में, वन क्रोर 45 लैक्स, टेन लैक्स है ना बेटा, हाँ, वन करोर 45 लैक्स, हाँ। तो ये सारे जो है ना, वो तो लैक्स के ज़ीरो है, 50, यस, 1, 2, 3, 4, 50, ओके। उसी तरह इसको भी हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 1 करोर 80 लैक्स, लैक्स के 50 आ गए, 3 करोर 45 लैक्स, ये देखो ये तो बहुत सिंपल है, 66,000, 27,900, 5,70,000, 76 है, कौन बताएगा? 7, यस, चलो ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं। देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000 लैख, तो इसको हम लोग बोलेंगे 7,69,000, और इसको 5,70,000, पता चल गया सबको। चलो बेटा अब ये मुझे वाला बताओ, नीचे वाला क्या लिखा है यहाँ पे, राइट नंबर 1 करोर, फिर सेकंड क्वेश्चन है 2 करोर, और थर्ड क्वेश्चन 3 करोर, विदाउट मिस्टेक टू राइट जीरोस, जीरोस को मिस्टेक किए बिना लिखना है। चलो सिंपल है, 1 करोर आता है ना लिखने सबको, कैसे लिखेंगे ये, पहले 1, फिर क्रोर बोला है, क्रोर में कितने ज़ीरो, 7 ज़ीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया 7 ज़ीरो। चलो काउंट करो तो 1 करोर हो रहा है कि नहीं, 1 प्लेस, 10 प्लेस, मेरे साथ बोलो सब लोग, यस यस, मेरे साथ लाउडली, भले मम्मी पापा बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा उनको भी पता चल रहा है कि मेरा बेटा मैथ्स पढ़ रहा है, अभी लाइव लेक्चर चल रही है, ओके, लाउडली बोलो, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 lakhs, 10 lakhs, 1 crore, हो गया 1 crore। चलो 2 crore कैसे लिखेंगे, 2 crore विदाउट मिस्टेक ऑफ जीरोस, 2 crore के 7 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 crore कैसे लिखेंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सी स्टूडेंट्स ये 1 crore है, तो इसको हम लोग 100, यस 100 बोल दिया मैंने, कितने ज़ीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 50 है ना, तो इसको लैक्स बोलेंगे ना, लैक्स को 100 lakhs, 200 lakhs, 300 lakhs,
means 100, ये नहीं लिखना है एक्चुअली, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 100 लैक्स इज इक्वल टू 1 करोर, पता चलता है बेटा, ठीक है। 100 लैक्स ऑल्सो नॉन एज 1 करोर, 100 लैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 करोर भी बोलेंगे। उसी तरह ये आपको और भी कंप्लीट करना है, इसको आपको होमवर्क में करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है, और इसको ये लिखा है ना उसको भी वर्ड्स में, बीच में इज इक्वल टू लगा के। ओके चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम लोग अब टेक्स्ट बुक में देखते हैं। ओके ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओके, एंड पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, ओके। सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये वाली फ़ोटो दिखाई थी ना, यस, ये कौन है, आप लोग की फ्रेंड है ना, यस yes. अब आप लोग की फ्रेंड है तो मेरी तो स्टूडेंट भी होगी। ये बेटा, ये क्या करी पता है, ये गर्ल है, ये गर्ल, एक मिनट बेटा, ओके तो ये जो गर्ल है ये सारे मैंगोज को उछाल के उसको काउंट कर रही है। यस, हमने सारे बिग नंबर्स देखे ना 1 करोर तक के, देखो बेटा अभी जो मैंने आपको सिखाया ना वही लिखा है, 1000 इन नंबर, ये हमको लिखना है। तो 1000 इन नंबर हम लोग लिख सकते हैं, 100,000 को भी लिख सकते हैं। नाउ राइट 100,000, हाउ मेनी जीरोज आर, ये हमने देख लिया। ओके नाउ, अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक दिया है हम लोगों को, सी वेयर हैव यू हर्ड अबाउट 1 करोर, आपने 1 करोर वर्ड कहाँ पे सुना है, मम्मी पापा के मुँह से सुना होगा या फिर टीवी में तो सुना ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति, राइट। हाउ इज दिस नंबर यूज्ड, ये नंबर कैसे यूज होता है। तो बेटा मैं आपको एक मस्त इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे लिखना है ना हम लोग को 1 करोर लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले देखो, राइट द नंबर 1 करोर, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट जीरोस। अभी सर ने बता दिया ना, सर ने 1 करोर, 2 करोर, 3 करोर तीनों बताया। देखो मैं 1 करोर लिख रहा हूँ, 1 करोर फिर 7 जीरो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके लिखा है। ये वाला क्वेश्चन, हाउ इज दिस नंबर यूज्ड, ये नंबर कैसे यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये मैंने 1 करोर लिखा है, ये मैंने 1 करोर लिखा है। यू नो स्टूडेंट्स, इन अवर इंडिया हाउ मैनी पॉपुलेशंस, हमारे भारत में कितनी कुल जनसंख्या है, टोटल अराउंड यानी आसपास, ठीक है, 135 करोर्स, करोर्स के कितने जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, 7, 135 करोर्स पीपल आर लिव्स इन इंडिया। यस, 135 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। ये मैंने 135 करोड़ जो बोला ना, वो फिक्स नंबर नहीं है, 136 भी हो सकता है, 137 भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक राउंड फिगर बताया आपको, ठीक है। अभी हम लोग इंडिया में कितने पीपल है टोटल, यस, पॉपुलेशन कितना है हमारे इंडिया का, अराउंड 135। यू नो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का, यस, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा रैंक आता है पॉपुलेशन में, सेकेंड रैंक, एंड फर्स्ट रैंक किसका आता है, यस, पता ही है ना अभी आपको, अभी ये कुछ दिनों से अभी चल रहा है ना, हमारे बॉर्डर्स पे वॉर चल रहा है, कौन सी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, इंडियन सोल्जर्स का, यस, चाइनीज सोल्जर्स, चाइना के साथ इंडियन सोल्जर्स की लड़ाई हो रही है ना अभी, युद्ध हो रहा है, यस, कुछ हमारे इंडियन सोल्जर्स, सैल्यूट देम, हाँ स्टूडेंट, सैल्यूट देम, यस, उन लोग बेचारे बहुत ब्रेवरी बताते हैं ना वहाँ पे, यस, बॉर्डर पे, और हमारे कुछ सैनिक अभी जो है सोल्जर्स बेचारे, उनकी डेथ भी हो गई, शहीद भी हो गए। ओके तो बेटा हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड रैंक पे, और चाइना फर्स्ट रैंक पर है। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, सी क्या लिखा है, फ्रूट मार्केट, हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट यार्ड, क्या आपने कभी मार्केट यार्ड देखा है, कोई भी मतलब फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट, इफ़ यस डू यू नो Why is this noisy place known as market? आपको पता है वहाँ पे noisy place क्या, noisy इटली यानी कि मतलब बहुत ही मतलब आवाज़ आती हो, घोंघाट होता हो ना, yes, noisy place market, क्योंकि वहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, अपना fruits, अपना vegetables सब लोग sell करने के लिए आते हैं। The major fruit market of the city are busy, बहुत सारी जो city के market वो कैसे होते हैं, busy होते हैं। A large stock of mangoes has arrived in many vehicles.
मतलब सब सारे व्हीकल्स में भी बहुत सारे व्हीकल्स भर के मैंगोज आते भी हैं। द सेलर्स आर कॉलिंग, द कस्टमर्स आर शाउटिंग, जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, कस्टमर को बुलाते हैं, आओ आओ 50 रुपया किलो, ए भाई केसर कैरी, केसर 70 रुपया किलो, ए लई लो बोलते हैं ना ऐसे। यस स्पीकिंग आउट द प्राइजेज एंड यस एंड देयर ओन मैंगोज, उनकी प्राइस जो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे सऊजी भाई हैं, देखो बेटा ये रहा फ्रूट मार्केट है ये, यस सऊजी भाई कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 44 kg। सी स्टूडेंट्स, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं गुजराती ही होते हैं ना मोस्टली, चलो अब इसी को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, देखो मैं वही टोन में बोल रहा हूँ, वो जो बोलते हैं उसी टोन में, ठीक है। कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ ₹40 per kg। कौन बोल रहा है ऐसा? सऊजी भाई। क्या बोल रहे हैं सऊजी भाई? यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। बेटा वलसाड़ी से कुछ याद आया? हाँ याद करो, हमारा फर्स्ट लेक्चर, यस हाइकू पोएम वाला, 575 लीटर्स, टोटल 70 लीटर्स, मैंने आपको एक पोएम बताई थी ना 70 लीटर्स वाली, हाइकू का एक एग्जांपल जो वलसाड़ी, हूँ वलसाड़ी, हाँ बताया था ना वलसाड़ी तोतापुरी। तो यहाँ पे सऊजी भाई क्या बोल रहे हैं, उनकी जो मैंगो है वलसाड़ी वो कितने रुपीस में बिक रही है? 40 रुपीस में पर केजी। चलो महीपत भाई, नेवर सो चीप, यानी इससे सस्ता कहीं भी नहीं या कभी नहीं, नेवर सो चीप, इससे सस्ता कभी नहीं, क्या बेच रहे हैं महीपत भाई? अल्फोंजो एट द रेट ऑफ ₹60 per kg, मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो एट रेट ऑफ ₹150 per kg। महीपत भाई जो है वो अल्फोंजो बेच रहे हैं 60 रुपीज़ के किलो में, मधुबेन है वो भी बेच रही है, वो केसर मैंगोज बेच रही है, वो ₹150 per kg, 150 रुपीज़ में। देखो तीनों का हम लोग को याद रखना है, ओके पता चल रहा है सबको? फिर राजाराम सेल्स लंगड़ो, राजाराम कौन सी मैंगो बेच रहे हैं? लंगड़ो। सी स्टूडेंट्स, मैंगो एट द रेट ऑफ ₹50 per kg, तो लंगड़ो कौन बेच रहा है? राजाराम। क्या उसका प्राइस क्या है? 50 रुपीज़ का। मधुबेन जो बेच रही है वो गुड क्वालिटी केसर ₹150, यस 150, महीपत भाई 60 रुपीज़। लुक हियर दिस साइड, यहाँ देखो, यहाँ इस बाजू देखो, जयदीप सिंह हैज़ ब्रॉट फ्रेग्रेंट रो केसर मैंगोज, रो यानी कच्चा, कच्चा आम बेच रहे हैं, कच्ची केसर कैरी बेच रहे हैं, फ्रॉम गिर, गिर से लाए वो, टू बी रिम, यस टू बी रिपन एट होम इन 8 kg बॉक्स, यस 8 kg का पूरा एक बॉक्स है। ही सेज, उन्होंने कहा कि दिस मैंगो विल बी रिपन एट योर होम इन ऑर्गेनिक वे एंड ही विल चार्ज ₹1200 per box। उन्होंने क्या बोला कि 8 kg का बॉक्स है, उन्होंने अपने घर पर ऑर्गेनिक, कहाँ लिखा है ऑर्गेनिक, कहाँ गया वर्ड, यस ये रहा ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक यानी बेटा कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होता है, घर पे ही हम लोग जो अलग मतलब घास वगैरह से या फिर कोई घर की बनी हुई है जैसे ग्रेन, उसमें जब हम लोग करते हैं ना, जो रिपन करना यानी पक्का बनाना, ठीक है, आम को पक्का करना, मैंगो को पक्का करना। और वो कितना रुपए लेंगे? 1200 रुपए लेंगे, यस 1200 per box। और एक बॉक्स में कितना है? 8 kg है, ठीक है। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए, तो बेटा ये क्वेश्चन करें उसके पहले हम लोग ये सारी जो डिटेल्स है ना वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पहले लिख लेते हैं डिटेल्स। देखो बेटा मैंने यहाँ पे सारे चीज़ें मतलब लिख दिए, सबसे पहले सऊजी भाई, सऊजी भाई कौन सी मैंगो बेच रहे हैं? वलसाड़ी तोतापुरी मैंगोज, वलसाड़ी तोतापुरी मैंगोज, क्या प्राइस है उनका? तो ₹41 kg का। फिर महीपत भाई कौन सी मैंगोज बेच रहे हैं? अल्फोंजो, यस अल्फोंजो मैंगोज, उनका प्राइस क्या है? ₹61 kg। देन मधुबेन, मधुबेन कौन सा मैंगो बेच रहे? केसर मैंगोज, यस, और उसकी प्राइस क्या है? ₹150 per kg, पर के जी मीन्स 1 kg का, ठीक है। देन राजाराम, राजाराम कौन से बेच रहे हैं? लंगड़ो। सी स्टूडेंट्स, नाम सुन के कैसा लग रहा है ना, मतलब वो मैंगो लंगड़ा होगा ना, चल नहीं पा रहा होगा बेचारा,
और बाकी के सारे मैंगो ऐसे नीचे रखो थे गुड़ 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 गिर जाते होंगे। यस, लंगड़ो मैंगोज। उसका प्राइस क्या है? 50 रुपीज़ में 1 kg, यानी पर kg ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट सेलर कौन सा? यस, ये सारे सेलर है। सेलर मीन्स ये लोग सारे मैंगोज बेचते हैं, ठीक है बेटा। जयदीप सिंह, जयदीप सिंह क्या करते हैं? रिपन मैंगोज गिर से लाए हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा है 8 kg बॉक्स। क्या है वो? रो केसर मैंगोज लेकर आए, रो यानी कच्चे कैरी लेकर आए। यस, गिर से लेकर आए, ठीक है। उसको रिपेंट करें, रिपेंट यानी पक्का बनाएंगे, ऑर्गेनिक टाइप से बनाएंगे, ठीक है। उसका क्या प्राइस है? ₹1200 या तो फिर 1200 वन बॉक्स का 8 kg का। ओके चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट प्राइस पर केजी डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगोज? जयदीप सिंह केसर मैंगोज जो बेच रहे हैं उनका पर केजी का प्राइस क्या होगा? सी बेटा, पर केजी पूछा है क्वेश्चन वन। एक मिनट है बेटा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जयदीप सिंह सेल कर रहे हैं, ठीक है, केसर मैंगोज, पर केजी का क्या प्राइस होगा? तो यहाँ पे तो हम लोग को 8 kg का दिए, 8 kg का 1200, तो 1 kg का कितना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? यस, मैंने सिखाया है ना, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसके भी लास्ट लेक्चर में बताया था ना। ओके, नाउ आंसर वन, यहाँ पर हम लोग को 8 kg का दिया है। देखो बेटा, आंसर वन मैं बता रहा हूँ, 8 kg का कितना रुपीज़ है? 1200 रुपीज़। तो हमको कितने का फाइंड करना है? 1 kg का फाइंड करना है। तो 1 kg का कितना रुपया होगा? मैंने बताया था ना, क्रॉस वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यानी मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ मीनिंग नहीं है, 1 को 1200 के साथ करो, नो एनी मीनिंग, उतना ही होगा। और ये जो 80 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। सिंपल, आपको ऐसे नहीं करना है ना, तो भी मैं बता देता हूँ, 1200 को सीधा 8 से डिवाइड करेंगे तो भी पता चल। देखो बेटा, 1200 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1200 ही रहने वाला है ना। यस, और डिवाइड, इसको डिवाइड बोलते हैं ना, उसको 8 से डिवाइड करो। चलो मैं यहाँ पे सिंपली, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 1200, उसको 8 से डिवाइड करो। चलो टेबल तो आता है ना सबको, 8, यस, 8 1 8, देन कितना रिमेनिंग? यस, 4 आया ना। चलो ये 0 को ड्रैग करो नीचे, 8 5 40, समझ में आ रहा है बेटा? 0 0, चलो अब तो कोई है ये 0 0 को ड्रैग करो 0। अब कुछ हम टेबल नहीं बोल पाएंगे, तो यहाँ पे 0 नीचे ड्रैग किया, यहाँ पे भी 0 लगा दो। ओके, एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम लोग 4th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो कितना आया? 150, क्या बोलेंगे इसको? 150 रुपीज़, ठीक है। कितने का ये? 1 kg मैंगोज, ठीक है। 1 kg का कितना हुआ? 150 रुपीज़। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मधुबेन हैज सोल्ड 10 kg, मधुबेन 10 kg सोल्ड करते, हाउ मच डिड सी अर्न फ्रॉम दैट? वो कितना रुपए कमाएंगी, कितना अर्न करेगी? देखो मधुबेन का कहाँ गया? यस, मधुबेन केसर मैंगोज 150 रुपये में 1 kg बेचती है। हाँ, एक 1 kg का 150 रुपया, तो उन्होंने कितना बेचा है बेटा? यहाँ पे देखो बुक में 10 kg। देन अवर आंसर टू, ओके सी आंसर टू, मधुबेन सेल्स 1 kg 150 रुपीज़, देन 10 kg, यस 10 kg, हाउ मच और हाउ मैनी, जो यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो। ये लिखना नहीं है हम लोग को, खाली क्वेश्चन मार्क करना। देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। चलो फिर से वही मैंने अभी बताया था ना, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको पहले यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करो। मैं सिंपली बता रहा हूँ, पहले गाड़ी में बैठ जाओ, नीचे से गाड़ी में बैठना है हमको। ट्रेन में बैठ गए, चलो ट्रेन स्टार्ट हो गई, सबसे पहले कौन मिला हमको? 10 मिला, चलो ट्रेन चल रही है आगे, धीमे धीमे ट्रेन आगे बढ़ी,
चलो यहाँ से मुड़ जाएगी, यहाँ से मुड़ गई ट्रेन, ओके यस यू टर्न लिया ना, कितना कौन मिला रास्ते में 150, लेकिन अभी यहाँ से मल्टी यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, इसीलिए टेन मल्टीप्लाई 150, ओके बेटा समझ में आ रहा है सबको, ओके देन आगे बढ़ रही। अब आगे इसको ब्रिज बोलना है हमको, ब्रिज, तो ये ब्रिज बनाया, ठीक है, अब ब्रिज से इस साइड जाएंगे ना वो डिवीज़न में जाएगी, ये तो वन है तो वन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 को 150 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, सिंपल है, हाँ देखो 15 को 1 से कर लो तो भी 15 ऐसे, और ये 1010 यानी 20 यानी 1500 रुपीज़ अर्न, ओके मधुबन, ओ शिट थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मधुबन कितना अर्न करेगी बेटा 1500 रुपीज़ अर्न करेगी, ओके अगेन क्वेश्चन है, महीपत भाई हैज सोल्ड 6 kg अल्फोंजो मैंगोज, सऊजी भाई हैज अर्न द सेम अमाउंट एज महीपत भाई, हाउ मेनी kg ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय सऊजी भाई। सी स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। देखो इस दोनों क्वेश्चन को लिखना है नोटबुक में, फिर ये मैंने जो आंसर लिखवाया है ना, ये इस तरह से आपको ये आंसर लिखने हैं, ओके समझ में आ रहा है, पहले ये सारी चीज़ लिख दो इस तरह से, ये सऊजी भाई, महीपत भाई, मधुबेन, राजाराम, जयदीप सिंह, सर लिख दिया, फिर क्वेश्चन वन लिखो, क्वेश्चन वन आंसर वन, क्वेश्चन टू आंसर टू, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बिकॉज दैट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है और इसको होमवर्क में यस योरसेल्फ इसको ट्राई करो, नहीं पता चलेगा आई विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके आई विल यस यस आई विल टीच यू, ओके मैं सिखाने वाला हूँ, ओके 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 बेटा आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके तो आज हम लोग होमवर्क में सबसे पहले इसको जो है वर्ड्स में लिखेंगे, फिर ये जो है ना ये सारी नोट ये लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ओके बेटा हम चलो बहुत सारे मैंगोज देख लो अच्छे से, मेरे तो ब्लैक एंड वाइट मैंगोज दिख रहे हैं, हाँ मार्केट भी देख लो, चलो ये इनको देख लो, ठीक है चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ बेटा, ओके चलो बाय।